लगता है बहुत याद आ रही है पहली बीवी की। हाँ, शायद इसीलिए यादें नहीं मरती। बहुत बड़ा हादसा था। एक तरफ रामिस की मां की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ रामिस 30 दिन कोमे में रहा। इस हादसे का बहुत गहरा असर हुआ उसके दिमाग पर। ये जो तुम उसे पागल समझती हो वो पागल नहीं है। उसकी दिमागी कैफियत ऐसी है। मैंने बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट को उसको दिखाया। देखो, वो बच्चा है, छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है। तुम प्लीज उसकी बातों को इग्नोर किया करो। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे का पागलपन बर्दाश्त करूं। अगर वो सचमुच पागल है ना, तो उसे पागलखाने भेज दो, यहां मेरे सर पे ना बिठाओ। आपका क्या ख्याल है, अगर आपके फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप क्या सारी दुनिया को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे? नहीं सर, वो शट अप, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाजा भी है उस बेचारे का कितना लॉस हुआ है? आइंदा मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं आपका केस सुपर बोर्ड में भिजवा दूंगा। आप जाइए और अदनान से माफी मांगिए, और हाँ, उसकी बाइक भी ठीक करवा देना। जी, जी सर। रामिस, रामिस क्या हुआ? प्रोफेसर साहब ने क्या कहा? अरे रामिस, रामिस क्या हुआ? अरे रामिस, रामिस बात सुनो मेरी। रुको रामिस, क्या बात है, क्यों इतना गुस्से में हो? मैं अदनान को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसको। क्या पागल हो गए तुम? क्यों मारोगे अदनान को? मैंने कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको रामिस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।